हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त रिया रस्तोगी। गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 का लेसन 2 हिस्ट्री का। देखिए, मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स वगैरह सबके नोट्स लेकर आऊंगी। जिसके आपके चाहिए आप कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दीजिए, मैं उस सब्जेक्ट के लेकर आऊँगी आपके लिए। अभी तो मेरी हिस्ट्री की मैराथन चल रही है। सॉरी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। देखिए, अभी तक हमने चैप्टर 1 में बात की कि कैसे हमारे हंटर गैदरर्स रिवर्स के पास रहते थे, खाना ढूंढते थे और एक से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल करते थे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमारे हंटर गैदरर्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रुकते हैं। ठीक है, मतलब एक प्लेस पर रुकते हैं मूव करने की जगह। तो देखिए, हमारे इसमें बात करते हैं बट कब रुके थे वो, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया था बहुत ज़्यादा। सो इंसेक्ट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन भी बढ़ने लग गई, सेटलमेंट होने लग गया पीपल लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि देखिए, जब हमारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई तो टेम्परेचर जो है हमारा राइज़ हुआ। तब हमारे क्या हुआ कि लोगों ने एक जगह रुकना शुरू कर दिया। अब वो रुकना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए उनको खाने वगैरह की सर्च में इधर उधर नहीं घूमना पड़ रहा था और इंसेक्ट्स वगैरह भी उनको वहीं मिल जा रहे थे। स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वो जो है आपको पता ही है कि वो रिवर्स के तो पास रहते थे तो पानी के तो वैसे ही नहीं। अब वहाँ पर जो है फ्रूट ग्रो करने का टाइम उनको पता चल गया कि किस टाइम ग्रो होते हैं। एनिमल्स जो भी थे बड़े बड़े उनको भी अपना जो है प्रे मिल जाता था ईजीली। ठीक है, इसलिए उन्होंने मूव करना कम कर दिया। अब बात करेंगे हम स्टोन एज की। स्टोन एज जो है हमारा सबसे पहले आ जाता है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक की बात करते हैं, पैलियोलिथिक, और दूसरा आ जाता है मीज़ोलिथिक, तीसरा आ जाता है नियोलिथिक। ये टाइप्स हैं स्टोन एज के। देखिए, पैलियोलिथिक भी हमारा 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है बट वो आगे हम नेक्स्ट बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ेंगे। अभी हमारी 6 क्लास की है, छोटी बुक है। ठीक है, स्टार्टिंग बेसिक बुक है तो इसमें अभी हमारे टाइप्स नहीं बताए हैं। तो अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक की। पैलियोलिथिक की बात करते हैं। पैलियो का मतलब क्या होता है, हमारा ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स एगो, जो हमारे जो लोग थे इस टाइम पर कि वो हमारे ऐसे ही घूमते रहते थे एक दूसरी जगह पे, और वो बड़े बड़े टूल्स को यूज़ करते थे और वो कच्चा मांस खाते थे उस टाइम। ठीक है, तो ये 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स एगो के पहले की बात कर रहे हैं। इसमें जो हमारे स्टोन्स के टूल्स बनते थे, वुड्स के बनते थे, बोन्स के बनते थे, और जो हैं पीपल जो हैं यहाँ पे कट करके मीट को खाते थे, और क्या क्या करते थे उससे, टूल्स से बार्क, बोन्स, स्किन एनिमल्स की फाड़ते थे, चीर फाड़ करते थे, फ्रूट्स और रूट्स वगैरह। ठीक है, और इसके बाद जो हैं वो वुड से क्या करते थे, हट्स वगैरह बनाते थे, टूल्स वगैरह बनाते थे, और एरोज जो थे हंटिंग के काम में आते थे। देखिए, जैसे इसकी पॉइंट है पेन की, ठीक है, ये हम जब मारेंगे तो हमारे यहाँ पर एकदम से हमारे लगेगा, ऐसे ही उनके जो हैं एरोज इतने शार्प होते थे कि वो उनके एकदम से डिक हो जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी एनिमल्स की। ठीक है, मीज़ो का मतलब होता है मिडिल, मिडिल, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी मिडिल स्टोन एज। जो हम अभी तक हमने 2 मिलियन से 12,000 की बात कर ली, अब हम बात करेंगे 12,000 से 10,000 ईयर्स। ठीक है, इसमें जो है हमारा टेम्परेचर वगैरह ये सब चेंज होता है, एनवायरनमेंट में चेंज आता है, तो लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं, फार्मिंग, फिशिंग, रियरिंग यानी पशुपालन। ठीक है, फिशिंग, मछली को पकड़ना, किसान की तरह काम करना, ये सब सीख जाते हैं। अब बात करते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू, और स्टोन, न्यू स्टोन एज की। ठीक है, ये हमारे 10,000 से आज तक की बात कर रहे हैं। तो हमारा इस टाइम पे हमारा कॉटन ग्रो हो गया था। आप लोग बताएंगे कि कॉटन सबसे पहले कहाँ ग्रो हुआ था, वैसे आप सबको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं जो है हमारे स्टोर कैसे करने लग गए फूड, वो डक्स पिट के थ्रू, गड्ढों के थ्रू, और फूड ग्रेन्स और सीड्स को हमारे जो है पॉट्स में, ये सब बास्केट्स में रखने लग गए। ठीक है, कहाँ कहाँ स्टोर करने लग गए, उनके नाम ले रखे हैं। एक तो है हमारा बुर्जा होम, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, और आगे बताऊँगी मेहरगढ़ के बारे में। ठीक है, जो अभी हमारा कश्मीर में है, जिससे हमें शेल्टर वगैरह
ठंड के मौसम में मिलता है। अब देखिए ठंड के मौसम में आपका भी मन नहीं होगा ना पढ़ने का, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए टूल्स, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक के में क्या डिफरेंस आया। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे टूल्स, इस टाइम पे जो हो गए पॉलिश्ड हो गए, कट करके यूज़ करने लगे मोर्टार पिस्टल्स। आपने देखा है जो दवाई डॉक्टर बनाता है उसके पास एक सफ़ेद सी होती है, ठीक है, हाथ में उसके ओटली जैसी, उससे वो पीसता है और उसके जिस बाउल में वो करता है उसको हम कहते हैं मोर्टल, ठीक है। वही मोर्टल और पिस्टल की बात चल रही है। तो ये ग्रेन्स वगैरह क्रश करने के लिए शायद यूज़ करते होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कोई पॉट्स वगैरह यूज़ नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है पॉट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। लोग वाग एक से दूसरी प्लेस पर घूमते रहते थे, लेकिन यहाँ पर एक जगह दूसरी प्लेस पर नहीं घूमते थे। यहाँ पर जो है पॉट्स वगैरह यूज़ करते थे और जो है फिशिंग फार्मिंग ये सब करते थे, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर जो ये मीट खाते थे वो रोस्ट किए बिना यानी पकाए बिना खाते थे, क्योंकि उनके पास उस टाइम टूल्स नहीं थे, बस स्टोन्स और बोन्स के टूल्स ही यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है फायर का इन्वेंशन हो चुका था और यहाँ पर रोस्ट मीट यानी भून के यानी पका के और लाइट के लिए फायर का यूज़ करते थे और स्टे अवे वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल को भगाने के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर देखिए हमारे यहाँ पे आया है 8000 साल पहले और मगध जो है एक बड़ा किंगडम है, वो उसके हम आगे बात करेंगे, इस चैप्टर में नहीं है कि मेरे पास पेपर की शायद कमी हो गई थी तो मैंने लिख दिया था, सॉरी। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, पशुपालन जो है आज से 12000 साल पहले जो है शुरू कर दिया था, ठीक है। यानी कौन से एज में, मीज़ोलिथिक में, देखिए 12000 से तो शुरू है, ठीक है। अब बात करते हैं मेहरगढ़ जो है हाउस शेप, उसमें कैसे होते थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होते थे। देखिए ये बॉक्स है ये, ठीक है, ये बॉक्स है, इसको आपने चार पार्ट्स में कट किया, ठीक है, और इसमें देखिए ये यहाँ पे ग्रेन रख लिया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे सब में अनाज रख लिया, तो इसको हम कहते हैं 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। और इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए ये जगह है इसको हम 6 में कर लेते हैं, इसको हम 8 में कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, ऐसे रख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए यहाँ की जो लैंड होती थी वो प्लेन होती थी और कहाँ पे है, नियर पोलन पास। अब देखिए मेहरगढ़ में क्या होता था, जैसे किसी इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई इंसान मर गया तो उसको हम ऐसे ही नहीं दफनाते थे, पहले जलाते नहीं थे, पहले दफनाते थे, ठीक है, ऐसे ही नहीं दफनाते थे। मेहरगढ़ में ये सोचा जाता था कि अगर जैसे किसी इंसान की डेथ हो गई है तो उसके साथ हम किसी गॉट या खाने का कोई सामान रख देते थे, वो सोचते थे कि उसके नेक्स्ट वर्ल्ड में यानी आने वाली दुनिया में उसके काम में आएगा और उसे खाने के लिए भटकना ना पड़े। बहरहाल ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो है ईरान का रूट है यानी ईरान का रास्ता है, यहाँ पे क्या ग्रो होती थी, बार्ली वीट। गाइस कमेंट में बताइए जिस जिसको याद है बार्ली और वीट फर्स्ट कहाँ ग्रो हुई थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, जिसको याद है बेस्ट ऑफ लक, आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं। रियर शीप्स और गोट्स, ठीक है। अब एरोच क्या होते हैं, एक वाइल्ड कैटल होती है जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, बुल जैसी होती है, ठीक है, याक जैसी। अब बात करते हैं भीमबेटका में जो है हमारा मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर हमारा कहाँ सबसे पहले मूरल पेंटिंग मिली है, यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स के साइड मिले हैं और ये किसका पार्ट है, पैलियोलिथिक। देखिए मैंने बताया ना पैलियोलिथिक के टाइप्स हैं, तो अब भाई ये अपर पैलियोलिथिक का टाइप है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा और ये नोट्स आपके लिए अगर हेल्पफुल हैं तो बताइए, मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका भी तो चैनल है, मैं आपको अपना रूम भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कभी, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।